बड़वानी जिले के सहायक आयुक्त की चल रही मनमानी के चलते 3 साल की अवधि पूर्ण कर चुके हॉस्टल अधीक्षकों को मूल पदों पर भेजा। वहीं कुछ मेहरबानी कर आयुक्त के नियमों को ताक में रखकर हॉस्टल अधीक्षकों के तबादले किए। एक बार फिर हॉस्टल अधीक्षकों के तबादलों के बाद मामला गर्मा गया है। विभाग के ही कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया पर दबी जुबान में सवाल खड़े कर रहे हैं। जिन लोगों ने हॉस्टल अधीक्षक पद के लिए आवेदन दिए थे, वे दबी जुबान में कह रहे हैं कि हॉस्टल अधीक्षकों की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है। वहीं विभागीय सूत्रों की माने तो अब की बार निकली सूची में विधायकों ने जिन नामों की अनुशंसा की थी, सहायक आयुक्त कार्यालय से जारी हॉस्टल अधीक्षकों की नवीन सूची में 42 अधीक्षकों के नाम आए हैं। इनमें उन अधीक्षकों को हटाया गया जो पिछले 3 सालों से हॉस्टल में सेवाएं दे रहे थे। इन्हें वापस मूल स्थानों पर भेजा गया है। इनमें से 29 को 3 वर्ष पूर्ण होने पर हटाया गया है। वहीं 28 ऐसे थे जो अपनी इच्छा से पद से हटे। नई सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पिछले 3 सालों से हॉस्टल अधीक्षक रहे हैं, उन्हें फिर से हॉस्टल अधीक्षक के पद पर ही रखा गया है। ऐसे कुछ हॉस्टल अधीक्षकों पर सहायक आयुक्त ने मेहरबानी बनाए रखी है। ऐसे नामों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। वहीं कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधीक्षकों को पदस्थ किया जाना था, लेकिन उनके स्थान पर अन्य को पदस्थ किया गया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, हॉस्टल अधीक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें अभी है ना, बड़वानी जिले में जो 3 साल से अधिक छात्र अधीक्षक थे या कुछ शिकायत है, प्रशासकीय आधार पर स्थान परिवर्तन किए गए हैं। उसका हम लोगों ने कलेक्टर में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात स्थान परिवर्तन किए गए हैं, और अन्य जो सभी बातें की जा रही है पूर्णतः निराधार है। इसमें नेताओं ने भी, विधायकों ने भी अनुशंसा की थी, तो उन लोगों को नाम मिली है क्या? जी जी, उनकी अनुशंसा प्राप्त हुई है। कुछ पहले भी मिली थी, कुछ अभी भी मिल रही है। तो माननीय जनप्रतिनिधि के जो भी अनुशंसा प्राप्त हो रही है वो भी हम लोग माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत।